सरकार की तमाम सख्तियों के बाद भी मध्य प्रदेश के अफसरों की हनक कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सीहोर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कथित तौर पर सीहोर जिले की एक महिला अफसर शिकायतकर्ता को धमकी दे रही है कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो जेल में डलवा दूंगी। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। इस वीडियो में दिख रहा ये शख्स शिकायतकर्ता राजेश रजक है, तो उस पर धौंस दिखा रही ये महिला अफसर है महिला बाल एवं विकास की परियोजना अधिकारी माधवी सिंह। पहले आप इन दोनों के बीच की बातचीत को सुनिए, फिर आपको पूरी कहानी बताते हैं। नहीं तो स्थिति इतनी बुरी बिगड़ेगी, तुम भी जेल जाओगे, तुम्हारी भी। मैडम पहुंचा है ना, बाद में कुछ नहीं अब कहना कि ऐसी बात हुई है। मैं मुझे परेशान है, मेरा बच्चा भी भर्ती है, मैं 2 महीने से हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। बच्चे एक लड़का है, 2 लड़की और है, और हमारे भैया की लड़की वही थी। सीहोर के ग्राम मुंगावली दोराहा क्षेत्र में रहने वाले राजेश रजक ने आरोप लगाया है कि आंगनवाड़ी में पोषण आहार नहीं मिलने की शिकायत उन्होंने सीहोर कलेक्टर को की थी। इसके बाद इसकी जांच के लिए महिला एवं बाल विकास की परियोजना अधिकारी माधवी सिंह को भेजा गया था। आरोप है कि उन्हें शिकायत की जाँच कर रिपोर्ट बनाकर पेश करने को कहा गया था, लेकिन जांच करने की जगह माधवी सिंह शिकायतकर्ता को कथित तौर पर जेल में डलवाने की धमकी देती नजर आ रही हैं। आंगनवाड़ी में पोषण आहार नहीं मिलता है और लड़का मेरा बीमार है, इसलिए आए थे कलेक्टर साहब के पास, हम दे गए थे उसकी जांच के लिए। माधवी सिंह मैडम जो गई थी वो मुझे जेल भेजने की धमकी दे रही थी, कोई कार्रवाई नहीं थी। ये वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही है। एक आवेदन मुझे अभी मिला है, एक वीडियो मिला है, उसमें हितग्राही और महिला बाल विकास के किसी अधिकारी के बीच में बातचीत हो रही है। पूरे तथ्य और पूरे वीडियो को देखने के बाद मैंने जांच जो SDM को सौंपी है, SDM पूरे मामले की जांच कर लेंगे, जांच करके जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। परियोजना अधिकारी माधवी सिंह और शिकायतकर्ता राजेश के बीच जब ये तीखी झड़प हो रही थी, तभी मौके पर मौजूद किसी ग्रामीण ने इसका वीडियो बना लिया। प्रदेश तक इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।